नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्पेन टेनिस का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। स्पेन ने डेविस कप के फाइनल में कनाडा को 2-0 से हराया। स्पेन ने दोनों सिंगल्स मैच जीते, इसके बाद डबल्स नहीं खेला गया। स्पेन के लिए रॉबर्टो बतिस्ता एगुट और राफेल नडाल ने अपने अपने मैच जीते। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए संजू सैमसंग को टीम में न चुने जाने से नाराज हैं। उन्होंने बीसीसीआई के चयन समिति में बदलाव की मांग की है। ये बात उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखी। थरूर ने भी सैमसंग को बिना खिलाए टीम से हटाने पर निराशा जताई थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। एडिलेड में खेला गया पहला मैच पारी और 5 रन से हार गई। साथ ही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे भी हो गई। टीम के इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज बाबर आजम से काफी खुश हैं। उन्होंने न केवल आजम के लिए एक बधाई संदेश भेजा है, बल्कि ये भी बताया है कि आजम को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करना चाहिए। ये उनके और टीम के लिए ज्यादा सही रहेगा। इसी महीने दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टीम ने 2 गोल्ड सहित कुल 9 मेडल हासिल किए हैं। भारतीय टीम इवेंट में 24वें स्थान पर रही, जो उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग भी है। भारत ने पैरालंपिक 2020 के लिए 13 कोटे भी हासिल किए। 18 साल के लक्ष्य सेन ने सोमवार को अपना पहला स्कॉटिश ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में उन्होंने ब्राजील के यगोर कोहेल को 18-21, 21-18 और 21-19 से हराया। मैच 56 मिनट में ही खत्म हो गया। 3 महीनों में उन्होंने 4वां टूर्नामेंट जीता है। लक्ष्य स्कॉटिश ओपन जीतने वाले 4थे खिलाड़ी हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।